I'm sorry, मुझे अचानक जाना पड़ गया। सामान नहीं आया? कहाँ गए थे? वो एक दोस्त से काम था, उसी मिलने गया। इतना जरूरी काम था कि फौरन जाना पड़ा और इतनी जल्दी में अपना फोन भी घर पे भूल गए। नहीं, मुझे याद आ गया था, लेकिन मैंने कहा घर वापस ही आ रहा हूँ। हो गया दोस्त का काम? क्या बात है, इन्वेस्टिगेशन? क्यों घबरा क्यों रहे हो मेरे सवालों से? मैं क्यों घबराऊंगा? क्योंकि जिस दोस्त से मिलने गए थे उसकी कॉल आई थी तुम्हारे जाने के बाद। क्यों बुलाया था लिश्पा ने तुम्हें? वो कुछ काम था उसे। छुपा रहे हो मुझसे कुछ? नवेरा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर चाहते हो मैं कुछ गलत ना सोचूं तो सच बता दूं। सच नहीं बता सकता। ठीक है, मैं अलिश्पा से खुद पूछ लेती। उससे कुछ मत पूछ लो, वरना उसका मुझ पर एतबार टूट जाएगा। एतबार? तुम दोनों एक दूसरे को? दोनों नहीं, सिर्फ मैं। मैं अलिश्पा से प्यार करता हूँ। और वो? वो नहीं करती। इनफैक्ट वो चाहती मैं इस बात का जिक्र भी मत करूं। तो इसलिए तुमने समन से शादी के लिए इनकार किया? यार, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे भी नहीं बताई। क्या बताता ना मेरा, जब उसने मेरी मोहब्बत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि तुमने उसका नाम तक नहीं लिया और घर छोड़ दिया। बाबा और पप्पू ने तो पूछा भी था तुमसे उस वक्त कि कोई पसंद है तो बता दो, तो उस वक्त कह देते ना। नहीं बता सकता था, क्योंकि उसके पास मेरे लिए सिर्फ इनकार है। इनफैक्ट वो कहती है अगर हजार बार भी रिश्ता लेकर आऊंगा तो वो हजार बार इनकार कर देगी। मैं बात करूं उससे? नहीं, उसको लगेगा मैंने अपने वादे का पास नहीं रखा। बताऊंगी उसको कि उसने तो अपना राज खुद ही फाश कर दिया है। इससे तुम दोनों हो बहुत चालाक, मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया तुम लोगों ने।